प्रिय विद्यार्थियों, सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 12 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम क्वेश्चन 5 पढ़ रहे हैं, यूनिट 5 का ना एक्सरसाइज 5.1। यूनिट 5 है व्युत्क्रम आयु एवं रैखिक समीकरण, यानी कि इनवर्स मैट्रिक्स एंड लाइनर इक्वेशन। ठीक है, हम एक्सरसाइज 5.1 का अध्ययन कर रहे हैं, इसमें अपन चार क्वेश्चन हल कर चुके। अब प्रश्न संख्या 5 को हमको हल करना है, जिसमें हमको दिया गया है a बराबर 1/9 एक आयु दी गई है और हमको सिद्ध करवा रहा है a इनवर्स बराबर 1 के ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व इस प्रकार करेंगे। देखिए, a आयु आपके पास ये है, तो इस आयु को आप इसको आप भी मान सकते हो। इस आयु क्या मान सकते हो, आप ऐसे सकते हो a बराबर 1/9 और आयु को माइनस रहा 1 माइनस 8 6। ठीक है, माना a बराबर 1/9 और इसको क्या लिख लिया हमने, दोनों तरफ इनवर्स ले रहे हैं, दोनों तरफ इनवर्स ले रहे हैं, तो इधर a का इनवर्स हो गया और इधर 1/9 b का क्या हो जाएगा इनवर्स। ए का इनवर्स करेंगे तो ए का इनवर्स 1/9 का इनवर्स करेंगे तो 9 आ जाए, क्योंकि 1/9 में 9 ऊपर चल जाता है। इनवर्स का मतलब होता है व्युत्क्रम गुणा बी का इनवर्स। ये संख्या हमारे पास, अब देखिए मैं आपको बताऊँ, हमको मान निकालना है ए इनवर्स का। ए इनवर्स का मान निकालने के लिए आप जो भी आवयु मिली है उसका इनवर्स निकाल लो। बी का इनवर्स निकालेंगे उसको 9 से गुणा करेंगे, जो मान आ जाएगा ए का इनवर्स आ जाएगा। पुनः एक बार दोबारा देखते हैं कि हमारे पास ये प्रश्न दे रखा है a बराबर 1/9 ये है, इस आयु को हमने b मान लिया, इस आयु को हमने क्या मान लिया b, तो a बराबर 1/9 और ये लिख दिया b। अब जब a का इनवर्स निकालना है तो हमको दोनों तरफ हमने व्युत्क्रम ले दिया, तो a का इनवर्स 1/9 भी पूरे का इनवर्स लेना पड़ेगा, 1/9 का इनवर्स लेंगे तो 9 हो जाएगा, क्योंकि 1/9 को जब उल्टेंगे तो 9/1 आएगा। अब b का इनवर्स देखा, b का इनवर्स, अब आप b इनवर्स निकालते हैं, b का मान आता है आपने जो b आयु है जो ये है इसको आप लिखोगे माइनस 8 1 6 4 4 7 1 माइनस 8 6। सवाल थोड़ा सा लंबा है लेकिन बिल्कुल सिंपल सवाल है, ध्यान से देखिए। अब इसमें आप इसकी इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे कि ये व्युत्क्रम में आयु गया है, व्युत्क्रम में आयु को चेक करने के लिए इसकी सारणी का मान ज्ञात करते हैं। सारणी b बराबर सारणी माइनस 8 1 6 4 4 7 1 माइनस 8 6। अब आप प्रसार करोगे, चलो r1 के अनुदिश लिखे होंगे, r1 के अनुदिश प्रसार करोगे, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, देखो सारणिक b बराबर प्लस पिछले अंक के साथ आ जाएगा, अब इसकी उपसारणिक लेंगे, उपसारणिक ये बचेगी 4 × 4 = 16 माइनस 8 × 7 = 56, 56 भी माइनस का है, माइनस ये प्लस 56, फिर माइनस का 1 की उपसारणिक लेंगे, ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, 4 × 16 माइनस 1 × 7 करेंगे, 16 − 7 प्लस 4 करेंगे, माइनस के 32 और माइनस के 4, माइनस के 32 और माइनस के 4, ये हो गया देखो माइनस 8 और 6 और 6 12 का 2 का 5 और 1 6 और 1 7 माइनस 1 सूत्र में 7 घटाएंगे 9 प्लस 4 और माइनस के 36, तो माइनस 8 × 16 और 8 × 7 = 56 और 1 = 57, 8 × 16 6 का सिला लिए तो 8 × 56 अधिक माइनस 9 और माइनस 4 24 का 4 का सिला लिए 2 4 किया 12 और 2 14 जोड़ते हैं इनको 4 × 4 = 10 19 का 9 का सिला लिए 1 × 4 = 5 7 12 का 2 का सिला लिए 1 5 6 7 माइनस 729 तो या माइनस 9 की पावर 3 इज नॉट इक्वल टू 0। आप चाहे इसमें देखो जब तीन घात होती है ना तो माइनस को आप चाहे बाहर लिख लो चाहे अंदर लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
अंदर रखोगे तो भी माइनस नौ को तीन बार गुणा करने पर माइनस 729 होंगे, माइनस को बाहर निकाल देंगे, नौ का गुणा करेंगे तब भी वही बात है, ठीक है। तो अब आप ये लिख सकते हो सारणिक बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए व्यतिकरणीय आवेग, व्यतिकरणीय आवेग विद्यमान, विद्यमान तो बी इनवर्स निकालेंगे, तो बी इनवर्स निकालने के लिए बी इनवर्स का सूत्र क्या बन जाएगा, वन अपॉन सारणिक बी गुणा एडजॉइंट बी। एडजॉइंट निकालने के लिए अपन को एफ आई जे चाहिए, क्या चाहिए एफ आई जे, तो एफ आई जे के प्रत्येक अवयव का सेकंड निकालेंगे, तो देखो एफ वन वन एफ वन वन माइनस एक की पावर, देखो सूत्र हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, मैं देख देता हूँ, एफ आई जे का सूत्र होता है माइनस एक की पावर आई प्लस जे गुणा एम आई जे, एम आई जे उपसारणिक है और माइनस एक की पावर आई प्लस जे चिन्हों का निर्धारण है, देखिए माइनस एक की पावर वन वन में वन प्लस वन, अब देखिए एम आई जे किसका पहले अवयव, इस पहले अवयव की उपसारणिक है 16 और प्लस 56, 16 और 56 कितने हुए 72, ये 72 आ गया, 72 में माइनस की घात दो, माइनस एक की पावर दो प्लस एक आएगा, प्लस एक को 72 से गुणा करेंगे 72, एफ वन टू तो माइनस एक की पावर वन प्लस टू, अब इसमें एम आई जे कितनी है इसकी, इसकी देखो ये बंद कर दिया ये बंद कर दिया, 16 माइनस सात नौ आ गए नौ, और ध्यान रखना माइनस एक पर तीन घात है, माइनस एक पर तो नौ किसके आ गई माइनस, एफ वन थ्री माइनस एक की पावर वन प्लस थ्री, अब इसकी एम आई जे निकालेंगे, थ्री की वन थ्री ये है माइनस के 32 और माइनस चार माइनस 36 हो गए, माइनस के 36 माइनस एक की पावर चार से गुणा होंगे, माइनस एक पर समघात है, समघात होने पर प्लस का हो जाएगा, प्लस की संख्या माइनस से गुणा होगी तो किसका रहेगा 36 माइनस, एफ टू वन माइनस एक की पावर टू प्लस वन, अब इसकी एम आई जे लिखेंगे टू वन की, दूसरी पंक्ति का पहला अंक ये वाला है, इसमें ये इसका स्तंभ बंद होगा, पंक्ति बंद होगा ये स्तंभ बंद होगा, एक गुणा चार माइनस 32 तो माइनस का चिन्ह और माइनस ये प्लस 32 चार प्लस 32 36 आ गया, 36 और माइनस एक इसका हो जाएगा उनकी तीन घात है माइनस एफ टू टू माइनस एक की पावर टू प्लस टू, अब इसकी एम आई जे देखो टू प्लस टू टू का मतलब होता है दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, ये दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, इसकी जब उपसारण निकालोगे तो इसके स्तंभ बंद कर दिया इसकी पंक्ति बंद कर दी, तो माइनस के 32 और माइनस का चार माइनस के 36 हो गई माइनस 36 तो ये भी माइनस के 36 आ गया, एफ टू थ्री माइनस एक की पावर टू प्लस थ्री, टू थ्री का मतलब है दूसरी पंक्ति का तीसरा हुआ, ये दूसरी पंक्ति का ही तीसरा हुआ यहाँ पहुँच गया ये बंद हो गया, तो माइनस माइनस प्लस के 64 और माइनस एक प्लस के 63 बचेंगे, 63 को माइनस एक से गुणा करेंगे तो माइनस के 63, एफ थ्री वन माइनस एक की पावर थ्री प्लस वन, थ्री वन तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, तीसरी पंक्ति का पहला अवयव इसमें ये बंद कर दिया, ठीक है। अब एक गुणा सात करेंगे, सात माइनस सोलह, सात माइनस सोलह तो माइनस नौ हो जाएंगे, ये माइनस नौ हो जाएंगे, एफ थ्री टू माइनस एक की पावर थ्री प्लस टू, और इसमें थ्री टू में देखो तीसरी पंक्ति में दूसरा इसमें स्तंभ बंद कर दिए पंक्ति बंद कर दिए, माइनस के 56 और माइनस के 16 तो माइनस के 72 हो गए, माइनस 72 और माइनस ये तो 72 किसके हो गए प्लस, एफ थ्री थ्री माइनस एक की पावर थ्री प्लस थ्री गुणा थ्री थ्री में ये देखो माइनस के 32 और माइनस के 4 माइनस 36 हो गए, माइनस के आएंगे 36, अभी तो हमको एफ आई जे निकालनी है, एफ आई जे देखो 72 माइनस 9 माइनस 36 माइनस 36 माइनस 36 माइनस 63 माइनस 9 72 और माइनस 36 और एडजॉइंट जब बी लिखिए एडजॉइंट बी लिखेंगे तो एफ आई जे का क्या हो जाएगा ट्रांसफर, एडजॉइंट बी बराबर क्या आ गया देखो इसका ट्रांसपोज करते हैं 72 माइनस 9 36 72 माइनस 9 माइनस 36 माइनस 36 माइनस 36
माइनस 36 और माइनस 36 -9 72 -36 -9 72 ये एडजॉइंट ही आया आपके पास। क्या गया ये एडजॉइंट। अब इसको ध्यान से देखिए, इधर देखिए समीकरण एक ये, इसमें ध्यान रखना ऐसे मान रख लेंगे देखो आता है बी इनवर्स वन अपॉन सारणी बी गुणा एडजॉइंट बी इनवर्स वन अपॉन सारणी बी का मान है -9 की घात 3 गुणा एडजॉइंट बी का मान है आपके पास 72 -36 -9 -36 72 -36 -63 और -36 ठीक है। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में आपके पास है ए इनवर्स बराबर 9 गुणा 1/-9 की पावर 3 ठीक है। चार माइनस एक आगे लिखो कोई बात ना पड़े और इसको गुणा कर दो 72 -36 -9 -9 -36 72 -36 -63 -36 देखिए कि माइनस एक का क्यूब बाहर भी लिख सकते हैं इसको तो ये 9 से 9 बढ़ जाएगा 1 भी हो जाएगा ए इनवर्स बराबर 1/-1 का क्यूब बाहर लेंगे हमने माइनस एक का क्यूब बाहर निकाल लिया 9 की घात 3 बच गई 9 से काटेंगे तो 9 का स्क्वायर बच गया और ये हो गया 72 -36 -9 तो ये -9 -36 और -72 ये हो गया फिर -36 -63 -36 ठीक है। आगे देखो ए इनवर्स बराबर 1/-81 लिख देते हैं 9 का 81 और यहाँ देखो -9 कॉमन ले लो ऊपर ए माइनस के 8 बज गए 4 बज गए 1 बज गया -8 बज गया 4 7 और 4 बज गया -9 ए इनवर्स बराबर 1/9 और ये क्या बचा है देखो -8 4 1 1 4 -8 4 7 4 अब ये जो आनी बची है ये का ट्रांसपोज है ये आनी चाहिए जब तो अपना सकते है नहीं तो क्या है ये गलत है। अब अपन मिलाते हैं पहली आनी हुई है 1/9 है अब इसका ट्रांसपोज करते हैं अपन -8 1 4 -8 1 4 यहाँ पंक्ति में चलना है या स्तंभ में चलना है -8 1 4 -8 1 4 4 4 7 4 4 7 1 -8 4 1 -8 4 बराबर ये क्या हो गई प्रूव हो गई क्योंकि ध्यान करना जो इनवर्स आया है ये यू के ट्रांसपोज के बराबर आया है ये जो मान आया ना ये मान है ये ए का ट्रांसपोज है क्या ये ए का ट्रांसपोज है ये हमसे सिद्ध करवा रहा है क्लियर। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 6 में हमने जो प्रक्रिया की है उसको मैं एक बार पुनः बता देता हूं कि जो हमको आलू दी गई थी a बराबर 1/9 और दी गई आपको b मान लिया तो a बराबर 1/9 b हो गया दोनों तरफ इनवर्स ले लिया तो a इनवर्स का मान आ गया 9 गुणा b इनवर्स तो जो आलू b मानी थी उससे हमने b इनवर्स का मान निकाल लिया इसमें रख दिया जब हमने हल किया था ना तो 1/9 के साथ में जो संख्या बचेगी जो आयु बचेगी एक का ट्रांसपोज थी एक का क्या थी वो ट्रांसपोज। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप एक बार क्वेश्चन नंबर 6 में आयु एक का मान आपको दिया गया है 1 -1 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 -1 तो सिद्ध करना है इसमें a इनवर्स बराबर a क्यूब
कैसे करना है, ए इनवर्स बराबर ए की पावर। तो सबसे पहले अपना काम है इसमें सॉल्व करते हैं ए इनवर्स ज्ञात। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सारणी ए चाहिए, सारणी के लिए ए माइनस ए दो माइनस ए, सारणी के लिए बराबर दो बाई दो के ए गुना माइनस ए के लिए माइनस ए, माइनस दो गुना माइनस ए के लिए माइनस दो और माइनस ए प्लस दो, प्लस वन आ गया इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसलिए ए इनवर्स विद्यमान विद्यमान होगा। अब हम माना अवयव ए आई जे का सेकंड एफ आई जे, आप बड़े ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको एफ आई जे निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट एफ आई जे। पहले अवयव की एफ आई जे, पहले अवयव में जाकर मैं निशान है वन वन, पहली पंक्ति का पहला वन 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 प्लस दो आएगा, प्लस दो में प्लस का निशान आएगा, ये माइनस एक को प्लस एक से गुणा करेंगे माइनस एक, इसका निशान है वन टू, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव वन टू में माइनस आएगा ऊपर, तो ये हो गया इसका क्या बचा है दो, दो में क्या बच जाएगा माइनस, इसमें माइनस आएगा माइनस एक और माइनस एक, तो ध्यान समझ लेना। अब दूसरे अवयव की अपन दूसरी पंक्ति के पहले अवयव क्या एफ आई जे निकाल रहे हैं, तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है तो माइनस एक की पावर टू प्लस वन आएगा, टू प्लस वन मतलब तीन, तीन घात पर माइनस वन आता है, माइनस वन के लिए अभी को माइनस एक बच रहा है, एफ आई जे इसकी माइनस एक है, माइनस एक को माइनस से गुणा करेंगे प्लस एक आ गया, इसमें प्लस एक है। अब एडजॉइंट ए निकालेंगे, एडजॉइंट ए बराबर एफ आई जे का ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ए एफ आई जे ट्रांसपोज माइनस एक माइनस दो एक, अतः ए इनवर्स बराबर वन अपॉन सारणी के गुणा एडजॉइंट ए, ए इनवर्स बराबर वन अपॉन सारणी का मान कितना एक है, तो एक का एक का भाग दे तो भरने पड़ेगा, ये आ जाएगा माइनस एक एक माइनस दो एक, ये क्वेश्चन नंबर एक। अब ये तो हमने एल एच एस निकाल दी मान लीजिए, अब आपको निकालना है ए क्यूब, ए क्यूब याद करना है, इसके लिए सबसे पहले ए स्क्वायर याद करें, ए गुणा ए, ए का मान दे तुमने एक माइनस एक दो माइनस गुणा फिर एक माइनस एक दो माइनस, इनको गुणा करते हैं इसको इधर इसको, एक गुणा एक करेंगे एक आता है, माइनस एक गुणा दो करेंगे माइनस दो आता है, एक गुणा माइनस एक करेंगे माइनस एक करेंगे, माइनस एक गुणा माइनस एक करेंगे प्लस एक, दो गुणा एक करेंगे दो आ गया, माइनस एक गुणा दो करेंगे माइनस दो आ गया, दो गुणा माइनस एक करेंगे माइनस दो आ गया, माइनस एक गुणा माइनस एक करेंगे प्लस एक, यह आ गया आपके पास माइनस एक जीरो जीरो माइनस। अब देखिए ए क्यूब निकालेंगे ए स्क्वायर गुणा ए, ए का स्क्वायर माइनस एक जीरो जीरो माइनस गुणा ए का मान है एक माइनस एक दो माइनस, इसका गुणा करते थे पंक्ति को स्तंभ, माइनस एक गुणा एक करेंगे माइनस एक प्लस जीरो गुणा दो करेंगे जीरो, माइनस एक गुणा माइनस एक करेंगे प्लस एक, जीरो गुणा माइनस एक करेंगे जीरो गुणा एक करेंगे जीरो, माइनस एक गुणा दो करेंगे माइनस, जीरो गुणा माइनस एक करेंगे माइनस, माइनस एक गुणा माइनस एक करेंगे प्लस, माइनस एक माइनस दो जी आ गया, माइनस एक माइनस दो एक आ गया, यहाँ पर देख लो इसके बाद दोबारा जीरो माइनस एक करेंगे एक मिनट, एक मिनट दोबारा गुणा करते हैं, माइनस एक गुणा एक करेंगे माइनस एक, जीरो गुणा दो करेंगे जीरो, माइनस एक गुणा माइनस एक करेंगे प्लस एक, जीरो गुणा माइनस एक करेंगे जीरो, जीरो गुणा एक करेंगे दूसरी पंक्ति से गुणा कर रहा हूँ, जीरो गुणा एक करेंगे जीरो, माइनस एक गुणा दो करेंगे माइनस दो, जीरो गुणा माइनस एक करेंगे माइनस एक, माइनस एक गुणा माइनस एक करेंगे प्लस एक, अरे जीरो गुणा माइनस एक करेंगे जीरो आएगा, जीरो गुणा माइनस एक करेंगे जीरो आएगा, माइनस एक गुणा माइनस एक करेंगे प्लस एक, तो यहाँ क्या आ गया एक, ये क्वेश्चन आ गया इक्वेशन आ गया दो, अतः इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से ए इनवर्स बराबर ए की पावर, ये हमारा सिद्ध, ठीक है। वह के लिए ए इनवर्स आपको जानते हो निकालना,
इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1/4 सारणी के गुण ऐड करते। सबसे पहले सारणी का मान निकाला तो 0 के बराबर नहीं था, इसलिए इनवर्स विद्यमान हो गया। जब इनवर्स विद्यमान हो गया तो FIJ निकालेंगे। FIJ निकालने के बाद में एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, FIJ का ट्रांसपोज करना है। FIJ का हमने ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकाल लिया। अब इनवर्स निकाल लेंगे। इनवर्स बराबर 1/4 सारणी के गुणा है। ए क्यूब कैसे निकालेंगे, ए क्यूब ए स्क्वायर गुणा बी। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए गुणा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में सारणी के मान आपके पास 5 0 4 5 0 4, 2 3 2 2 3 2, 1 2 1 1 2 1 तथा इनवर्स आपके पास है 1 3 3 1 4 3 1 4 3 1 3 4। देखिए एक बार प्रश्न को समझिए, हमसे ज्ञात करवा रहा है एबी का इनवर्स। देखो भाई, एबी का इनवर्स ज्ञात करने के दो तरीके मैं आपको बताता हूँ। एबी का इनवर्स ज्ञात करने के दो तरीके, या तो आप सारणिक तो आव्यूह ए और आव्यूह बी को गुणा करो, गुणा करने के बाद में जो आव्यूह आवे उसका इनवर्स निकालो। कैसे मिलेगा, ए बी की सारणी निकाला, एक सारणी का मान 0 के बराबर नहीं है तो फिर उसका FIJ निकालेंगे, FIJ से एडजॉइंट निकालेंगे और एडजॉइंट के मान में सारणी ए बी के मान का भाग देंगे। एक तरीका था। दूसरा जो सूत्र होता है वो होता है ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स गुणा ए। तो आपके पास बी इनवर्स मौजूद है, सिर्फ क्या नहीं है, ए इनवर्स आपके पास है नहीं। तो ए इनवर्स नहीं है तो ए इनवर्स हम ए से निकाल देंगे, और ए से ए इनवर्स निकालने के बाद में क्वेश्चन को हल कर। अब देखिए आव्यूह ए से ए इनवर्स निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे यहां से सारणी के लिए। सुन 5 0 4 2 3 2 1 2 1, सारणी ए का मान R1 से R1 के अनुदेश प्रसार करने, ठीक है, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस 5। इसकी उपसारणी पे 3 एकम 3, माइनस 2 गुना 6, माइनस 0, इससे कोई फर्क लेकिन कोई जरूरत नहीं है, तो 0 से गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें देखिए 4 माइनस 3 हो गया 5, 3 में से 4 घटाएंगे -1 + 4, 4 में से 3 घटाएंगे 1, तो -5 + 4 तो -1, तो यह लिख देंगे, इसलिए सारणी के इज नॉट इक्वल टू 0। अतः ए इनवर्स विद्यमान होगा। तो माना अवयव AIJ का सेखंड FIJ, माना अवयव AIJ का सेखंड क्या है, FIJ। अब देखिए ध्यान से, इस प्रश्न में मैं पिछले प्रश्न के अनुसार FIJ को डायरेक्ट निकाल रहा हूं। पहले अवयव का निशान प्लस में है, प्लस में आएगा इसका निशान 1+1 से, 3 - 4 करेंगे -1 आएगा, -1 को प्लस में -1, इसका निशान माइनस में आएगा, माइनस के निशान को इसको गुणा करते हैं 2 एकम 2 - 2 0 है, इसका निशान प्लस में आएगा, प्लस से 4 - 3 तो 1 प्लस में, इसका निशान है माइनस में आएगा तो माइनस का निशान लगा देते हैं, उसके बाद में सारणी का मान देखते हैं। ये इसकी संबंध कर ले, पंक्ति बंद करते हैं, 0 * 1 करेंगे 0 - 8 तो -8 आएगा। देखो दोबारा 0 और -8 - 8 और -8 तो क्या हो गया, +8, यहां पर निशान प्लस का आएगा,
प्लस का आने पर इसका स्तंभ बंद कर दे, पंक्ति बंद कर दे, पांच एकम पांच माइनस चार, पांच माइनस चार घटा देंगे एक आएगा, ये इसका चिन्ह माइनस का आएगा, इसमें ये स्तंभ बंद कर दे, पंक्ति बंद कर दे, पांच दूना दस माइनस जीरो दस आएगा, इसमें निशान प्लस का आएगा, इसमें जीरो माइनस बारह, माइनस के बारह आएगी तो प्लस हटा देंगे, माइनस क्या आएगा बारह, यहाँ माइनस का निशान आएगा, ये इसका स्तंभ बंद कर दे, पंक्ति बंद कर दे, पांच दूना दस माइनस आठ, दस में से आठ घटा देंगे क्या बचेगा, दो बचेगा, यहाँ पर पंद्रह माइनस जीरो पंद्रह हो, ठीक है, एड जॉइंट ए बराबर एफ आई जे का ट्रांसपोज कर देंगे, माइनस एक जीरो एक, माइनस एक जीरो एक, आठ एक माइनस दस, आठ एक माइनस दस, माइनस बारह माइनस दो पंद्रह, माइनस बारह माइनस दो पंद्रह, अतः अब आपको निकालना है ए इनवर्स, ए इनवर्स बराबर वन अपॉन सारणी के गुणा एडजॉइंट, ठीक है, तो सारणी ए इनवर्स बराबर एक आया माइनस एक, एक बटे माइनस एक, और एडजॉइंट ए का मान रख देंगे माइनस एक आठ माइनस बारह, जीरो एक माइनस दो, जीरो एक माइनस दो, एक माइनस दस पंद्रह, माइनस एक का बात दे देंगे तो ए इनवर्स बराबर माइनस एक से गुणा करेंगे ना पूरी संख्या को, चाहे गुणा कर दो चाहे भाग कर दो, चिन्ह बदल जाएंगे सबके, तो एक माइनस आठ बारह, जीरो माइनस एक दो, माइनस एक दस माइनस पंद्रह, अतः अब हमें क्या करना है ए बी का इनवर्स, तो आप इसको लिखोगे बी इनवर्स गुणा ए इनवर्स, तो बी इनवर्स का मान आपके पास है एक तीन तीन, एक चार तीन, एक तीन चार, इसके बाद में ए इनवर्स, ए इनवर्स देखिए कितना है, एक माइनस आठ बारह, जीरो माइनस एक दो, माइनस एक दस माइनस पंद्रह, ये इधर गुणा ये इधर गुणा, ठीक है, आगे देखते हैं, एक गुणा एक होगा एक आएगा, तीन गुणा जीरो होगा जीरो आएगा, तीन गुणा माइनस एक होगा माइनस तीन आएगा, एक गुणा माइनस आठ होगा माइनस आठ आएगा, तीन गुणा माइनस एक होगा माइनस तीन होगा, तीन गुणा दस होगा तीस होगा, फिर एक गुणा बारह होगा बारह आ गया, तीन गुणा दो हो गया छह गया, तीन गुणा माइनस पंद्रह आ गया माइनस पैंतालीस, पहली पंक्ति हमने तीनों स्तंभों से गुणा कर ली, तो पहली पंक्ति के मान आ गए, अब हम दूसरी पंक्ति को तीनों स्तंभों से गुणा करेंगे, पहली पंक्ति इसको इससे गुणा फिर इससे फिर इससे, एक गुणा एक करेंगे एक आएगा, चार गुणा जीरो करेंगे जीरो आएगा, तीन गुणा माइनस एक करेंगे माइनस तीन आएगा, एक गुणा माइनस आठ करेंगे माइनस आठ आएगा, चार गुणा माइनस एक करेंगे माइनस चार आएगा, तीन गुणा दस करेंगे तीस आएगा, एक गुणा बारह करेंगे बारह आ गया, चार गुणा दो करेंगे आठ आ गया, तीन गुणा पंद्रह करेंगे पैंतालीस, एक गुणा एक करेंगे एक आ गया, तीन गुणा जीरो करेंगे जीरो आ गया, चार गुणा माइनस एक करेंगे माइनस चार, एक गुणा माइनस आठ करेंगे माइनस आठ आ गया, तीन गुणा माइनस एक करेंगे माइनस तीन आ गया, तीन चार गुणा दस करेंगे चालीस आ गया, एक गुणा बारह करेंगे बारह आ गया, तीन गुणा दो करेंगे छह आ गया, चार गुणा पंद्रह करेंगे साठ, तो देखते हैं एक और माइनस तीन तो माइनस दो हो गए, माइनस के ग्यारह प्लस के तीन तो प्लस के कितने हो गए ये उन्नीस, बारह से अट्ठारह, अट्ठारह प्लस के पैंतालीस माइनस के तो ये हो गए माइनस के सत्ताईस, एक और माइनस तीन तो माइनस दो, माइनस बारह तीस तो माइनस के प्लस के कितने हो गए ये अट्ठारह, बारह आठ बीस तो माइनस के पच्चीस, माइनस तीन माइनस ग्यारह और चालीस तो प्लस के उन्नीस, बारह से अट्ठारह, अट्ठारह साठ में कटाएंगे तो कितने बच गए बयालीस, माइनस के बयालीस, ये हमारा आ गया ए इनवर्स, यानी कि ये मान आ गया ए बी का होल इनवर्स का, किसका मान है ए बी के इनवर्स का, ओके देखो दोबारा देखिए, हमको सारणिक ए का मान दिया गया है और बी इनवर्स का है,
उसके बाद में उनसे एबी का इनवर्स पूछा था, तो एबी का इनवर्स ज्ञात करने के दो तरीके थे, एक तो एबी का गुणा निकाल के उसका इनवर्स निकालो, तो गुणा के लिए अपन को बी चाहिए थी, बी अपने पास है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, एबी के इनवर्स का सूत्र होता है बी इनवर्स गुणा इनवर्स, तो ए जो आवयु दी गई है उससे ए इनवर्स निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, ए इनवर्स। फिर उसके बाद में हमने इनवर्स निकाल लिया, फिर उसको बी इनवर्स से गुणा कर दिया, क्योंकि ए बी इनवर्स का सूत्र होता है बी इनवर्स गुणा ए इनवर्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आयु ए का मान दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 आयु ए का मान है 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा 1, 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा 1, सिद्ध क्या करना है, ए का ट्रांसपोज और ए इनवर्स का गुणा। तो सबसे पहले ए आयु दे रखी है, ए का ट्रांसपोज निकाल लो, 1 tan अल्फा माइनस टेन अल्फा ए, क्लियर है, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, इसको बदल देंगे वन और ये टेन अल्फा, पंक्ति को इसमें बढ़ाना है और माइनस टेन अल्फा और ए। अब हमको निकालना है ए इनवर्स, ए इनवर्स के लिए देखो क्या करते हैं, आता है ए का मान आपके पास है वन टेन अल्फा माइनस टेन अल्फा ए, हो गया, सारणिक का मान निकालना है, क्योंकि किसी भी आयु का व्यतिक्रम निकालने के लिए उस सारणिक का मान चाहिए, तो मान के लिए इसको सारणिक बना देंगे, 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा 1, तो सारणिक एक का मान हो गया, एक को एक से गुणा करेंगे 1, माइनस माइनस tan अल्फा को tan अल्फा से गुणा करेंगे, माइनस tan स्क्वायर अल्फा और माइनस ये प्लस tan स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स विद्यमान होगा, इनवर्स क्या होगा, विद्यमान होगा, अतः हम यहां लिख देंगे माना आव्यव ए आई जे का सहखंड एफ आई जे, हम एफ आई जे निकाल रहे हैं प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अवयव का सहखंड के लिए क्या करेंगे, पहले इसका सहखंड निकालते हो, पहला अवयव वन वन तो ये प्लस का चिन्ह होता है, पहले बता दो मैं प्लस माइनस माइनस प्लस, दो में ये नियम चलता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, और तीन होता तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, इसका देखेंगे प्लस का निशान आ गया और ये एक आ गया, इस पर माइनस का निशान आ गया और माइनस टेन एन वाला, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस टेन एन, यहाँ माइनस का निशान है और टेन एन माइनस टेन एन, यहाँ वन है प्लस का निशान है और इसको बंद करने पर वन, ये एफ आई जे आ गया, अब एड जॉइंट टी एफ आई जे का ट्रांसपोज कर एक टेन अल्फा माइनस टेन अल्फा हो गया, आता है हमको निकालना है इनवर्स, इनवर्स का मान वन अपॉन सारणी के गुणा एडजॉइंट, इनवर्स का मान है वन अपॉन सारणी के का मान है वन प्लस टेन स्क्वायर और एडजॉइंट का मान देखो कितना है, 1 माइनस टेन अल्फा टेन अल्फा और, ठीक है, आता है हमसे पूछा गया क्या है, इसमें लेसन देखिए क्या पूछ रहा है, ए का ट्रांसपोज और ए इनवर्स, एल एच एस ए का ट्रांसपोज गुणा ए इनवर्स, ए का ट्रांसपोज को ए इनवर्स से गुणा करना है, ध्यान से देखना, ए का ट्रांसपोज देखिए क्या है, ये का ट्रांसपोज है 1 माइनस टेन अल्फा टेन अल्फा गुणा ए का इनवर्स देखिए क्या है, ए का इनवर्स लिखने के लिए पहले ये लिखना पड़ेगा 1 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन अल्फा अल्फा, अब इसमें क्या करेंगे 1 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा को मार देंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे इसको और इसको, तो 1 गुणा 1 करेंगे 1 प्लस माइनस टेन अल्फा को टेन अल्फा से गुणा करेंगे तो माइनस टेन स्क्वायर
वन गुणा माइनस टेन एल्फा होगा तो माइनस, माइनस टेन एल्फा को एक से गुणा करेंगे तो माइनस, यानी पहली पंक्ति हमने दोनों स्तंभों से गुणा कर, अब दूसरी पंक्ति को दोनों स्तंभों से गुणा करेंगे, टेन एल्फा गुणा एक करेंगे क्या आएगा, बस एक गुणा टेन एल्फा करेंगे क्या आएगा, टेन एल्फा को माइनस टेन एल्फा से गुणा करेंगे तो माइनस टेन स्क्वायर है, एक को एक से गुणा करेंगे प्लस, देखो क्या हो गया, अब वन प्लस टेन स्क्वायर भाग में बटे में तो इस सबसे क्या अंतर ले जाएंगे, क्योंकि जो अंदर हमसे सिद्ध करवा रहा है ना वो साइन और कॉस के रूप में अलग करवा रहा है, साइन और कॉस में लाने के लिए इसको अंदर ले जाएंगे, क्योंकि टेन का सूत्र साइन कॉस के रूप में लाने के लिए टेन अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर माइनस टेन एल्फा माइनस टेन एल्फा तो माइनस टू टेन एल्फा, इसका क्या लग जाएगा बा वन प्लस टेन स्क्वायर टेन एल्फा टेन एल्फा तो टू टेन एल्फा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर वन माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर। अब देखिए ये जो सूत्र है कॉस टू एल्फा का, ये जो सूत्र है माइनस तो आगे है ही साइन टू एल्फा का, ये सूत्र है ये भी साइन टू एल्फा का है, ये सूत्र है कॉस टू बराबर, इसको देखिए सिद्ध करने पर बराबर आ रहा है, बराबर क्या रहा है आ रहा है, ये प्रूफ। एक बार पुनः लिखते हैं, हमको आयु दी गई उसके बाद में हमसे पूछा गया है ए के ट्रांसपोज और ए का इनवर्स इनका यदि गुणा किया जाए तो कॉस टू एल्फा माइनस साइन टू एल्फा कॉस साइन टू एल्फा कॉस टू एल्फा के बराबर होता है, तो हमने क्या किया जो आयु दे रखी थी ए उसका सबसे पहले ट्रांसपोज कर लिया, ट्रांसपोज कैसे करते हैं पंक्तियों को स्तंभों पर रखो स्तंभों को पंक्तियों पर रखो, ट्रांसपोज करने के बाद में हमने ए इनवर्स निकालना है दूसरा पॉइंट ए इनवर्स है तो ए इनवर्स सारने के मान निकालते हैं जीरो के बराबर नहीं है तो ए इनवर्स निकल जाएगा, डायरेक्ट एफ आई जे निकाल लिया और जो एफ आई जे आया था जो एफ आई जे आया था उसका हमने एडजॉइंट ए निकाल लिया, एफ आई जे का ट्रांसपोज एडजॉइंट में सारने के मान का भाग लेने पर हमको ए इनवर्स आ गया और ए के ट्रांसपोज को ए इनवर्स से गुणा कर दिया, गुणा करने पर हमको वही मान प्राप्त हो रहा है जो मान हमसे पूछा गया, हमारा क्वेश्चन सत्य होता है। ओके क्वेश्चन नाइन्थ और टेंथ बिल्कुल सेम है, तो एक क्वेश्चन इनमें से करते हैं, एक हमको श्योर करना है तो देखते हैं कि हमारे कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन आपको एक सॉल्व करवा रहा हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आप समझ कर देखना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको आयु ए का मान क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर नाइन आयु ए का मान आपको दिया गया है दो माइनस तीन तीन चार, दो माइनस तीन तीन और चार, ये हमारे पास आयु हुई है और आपको सिद्ध क्या करना है इसमें देखिए, सिद्ध करने के लिए आपको दे रखा है ए स्क्वायर माइनस छह ए प्लस सत्रह आई बराबर जी, आपको सिद्ध क्या करना है सिद्ध करना ए स्क्वायर माइनस छह ए प्लस सत्रह आई बराबर जी, ये सिद्ध करना है, तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं ध्यान से देखना है, सिर्फ एल एच एस लिखते हैं, एल एच एस अपने पास है ए स्क्वायर माइनस छह ए प्लस सत्रह, ये हमारा एल एच एस है, इसको हल करने पर शून्य आंक आनी चाहिए, तो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं ए स्क्वायर को लिखते हैं ए गुणा ए माइनस छः गुणा ए प्लस सत्रह गुणा आई, और आई यहाँ पर इकाई आयु होती है जिसको उसी क्रम की लेते हैं जिस क्रम की आयु दी गई है, यहाँ पर अपने आयु को देखिए कौन सा क्रम है एक दो पंक्ति एक दो दो बाई दो की आयु है, तो यहाँ पर आई जो इकाई आयु है वो भी दो बाई दो की होती है, अब देखिए ए का मान लेते हैं दो माइनस तीन तीन चार, फिर ए का मान लिखेंगे एक गुणा ए दो माइनस तीन तीन चार माइनस छः और ए का मान लिखेंगे दो माइनस तीन तीन और चार प्लस सत्रह और आई का मान है एक जीरो जीरो, बस ये प्लस सबसे पहले गुणा करनी है तो ये इधर गुणा और ये यानी पहली आयु की पंक्तियों को दूसरे के स्तंभों से गुणा करते हैं, दो गुणा दो करेंगे चार माइनस तीन गुणा तीन करेंगे माइनस का दो गुणा माइनस तीन करेंगे माइनस छः
माइनस तीन गुना चार करेंगे माइनस का बारह, तीन गुना दो करेंगे छः, और चार गुना तीन करेंगे बारह, तीन गुना माइनस तीन करेंगे माइनस नौ, चार गुना चार करेंगे माइनस नौ का थोड़ा इनको छः से गुना करते हैं, छः गुना बारह, छत्तीस अठारह, छत्तीस अठारह, छः चौका सत्रह से करेंगे सत्रह जीरो जीरो सत्रह। अब देखो चार प्लस का नौ माइनस का तो माइनस के क्या बचेंगे पाँच, माइनस छः माइनस बारह, माइनस के अठारह, प्लस के अठारह और प्लस के बारह माइनस अठारह अठारह माइनस चाहो कहाँ पर प्लस कर दो या चिन्ह बदल दो सबका, माइनस से गुणा करेंगे तो अंदर की संख्याओं के चिन्ह क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे, प्लस सत्रह जीरो जीरो सत्रह। अब हम तीन आयु हैं, तीनों का समान क्रम है दो बाई दो दो बाई दो दो, प्लस हो रहा है तो जोड़ देंगे, माइनस हो रहा है तो कटा देंगे, माइनस पाँच माइनस बारह प्लस सत्रह, ये तो फर्स्ट पद है सत्रह, सेकंड पद में माइनस अठारह प्लस अठारह जीरो, यहाँ देखो दूसरे के पहले पद में प्लस अठारह माइनस अठारह जीरो, सात माइनस चौबीस प्लस सत्रह, इसका मान जीरो 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 जीरो। देखो बारह और पाँच माइनस के सत्रह प्लस के सत्रह जीरो, माइनस अठारह प्लस अठारह जीरो, प्लस अठारह माइनस अठारह जीरो, प्लस सात प्लस सत्रह प्लस के चौबीस माइनस चौबीस जीरो, ये एक शून्य आवयु आ गई जिसको आप क्या लिख दोगे जीरो, ये प्रूव हो गया। जिस आवयु का प्रत्येक अवयव शून्य हो वह शून्य आवयु कहलाती है, जिसको अपन बराबर जीरो भी लिख सकते हैं, ये बराबर जीरो ही सिद्ध करता है, ये अपना सिद्ध। अब हमसे प्रश्न बोलता है कि इसी की सहायता से आप ए इनवर्स ज्ञात कर, इसी की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करने का, ए इनवर्स ज्ञात करना, ए इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको जो संबंध दे रखा है उसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस छः ए प्लस सत्रह बराबर जीरो। देखो इस प्रकार इसी की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करने का सीधा समय पर है जो दे रखा है उसको जोका तो नहीं, क्लियर है। उसके बाद में हमको क्या करना है, जो आयु वाला पद है ना वो प्लस में लेके एक तरफ रखना है और बाकी के सभी पदों को एक तरफ ले जाएंगे, क्योंकि आयु पहले से ही प्लस में है, इसलिए आयु वाले पद को बाई तरफ रहने दो, सबको किधर ले जाओ बाई तरफ, क्लियर है ना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, यदि यहाँ माइनस होता तो सिर्फ आई आई वाले पद को ले जाते और सब पद इधर इधर रहते, तो यहाँ सत्रह आई बराबर आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस के प्लस के छह, क्योंकि ये जो प्लस की संख्या थी उधर जाने पर माइनस की हो गई और माइनस की संख्या किसमें हो गई प्लस में हो गई, आप इसको लिख सकते हो सत्रह आई बराबर माइनस ए गुणा ए प्लस छः गुणा, हमको ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है इसलिए दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा कर दो, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा कर दे, सत्रह आई गुणा ए इनवर्स माइनस ए गुणा ए इनवर्स प्लस छः गुणा ए गुणा ए भाई, इस पद से ए इनवर्स गुणा कर दिया, इस पद से ए इनवर्स गुणा कर दिया, इस पद से ए इनवर्स गुणा कर दिया, तो हम देखो एक थोड़ा सा पॉइंट लिख लेंगे यहाँ, आई गुणा ए इनवर्स इसका मतलब होता है ए इनवर्स, और ए गुणा ए इनवर्स इसका मतलब हुआ आई, और ए गुणा आई इसका मतलब क्या होता है, तो सत्रह आई गुणा ए इनवर्स इसका मतलब हो जाएगा सत्रह ए इनवर्स, यहाँ माइनस ए और ए गुणा ए इनवर्स इसका मतलब क्या हो गया प्लस छः, तो सत्रह ए इनवर्स बराबर माइनस ए प्लस छः, ए गुणा आई का मतलब ए होता, मान रखते हैं अपन सत्रह ए इनवर्स माइनस ए का मान देखो कितना है दो माइनस दो माइनस तीन और तीन चार प्लस छः और आई मान एक जीरो जीरो, अब ये आपके पास हो गया सत्रह ए इनवर्स बराबर माइनस से गुणा कर देंगे इसको माइनस दो प्लस तीन माइनस तीन माइनस छः प्लस छः से गुणा छः जीरो जीरो सत्रह ए इनवर्स बराबर थोड़ा सा करेंगे माइनस दो प्लस छः तीन प्लस जीरो माइनस तीन प्लस जीरो माइनस चार प्लस छः, अब ए इनवर्स
बराबर 17 और गुणा में तो इधर आ जाएगा 1/17 और माइनस 2 प्लस 6 का मतलब हो गया 4, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3, माइनस 3 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस 3 और माइनस 4 प्लस 6 का मतलब 2। ये हमारा ए इनवर्स का मान है। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना होता है ये सवाल, कि जो आर्यू दे रखी है उसकी सहायता से पहले इसको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए अगले सवाल में ये लिया है तो LHS लिख लेंगे, LHS में इसका मान रख देंगे, मान रखने पर जो 0 आना चाहिए तो मान 0 ये सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद में ये पद आ जाएगा, इसमें जो I का पद है वो Y तरफ रखना है और सब दाएं तरफ ले जाएंगे। यदि I माइनस में है तो I I का पद को इधर ले जाओ और सब नहीं रहने दो, फिर संख्या को बाई तरफ देखो दाएं तरफ बदल दो, दाएं तरफ देखो बाई तरफ देख दो, फिर ए इनवर्स पूछ रहा है तो दोनों तरफ आप ए इनवर्स लिखना। मेरे विद्यार्थियों ये आपके लास्ट उत्तर इस अध्याय का, हम आगे के वीडियो में अगले दिन पढ़ेंगे। थैंक यू, ओके।